तो दोस्तों सबसे पहले मैं गोविंद माली आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की स्टूडियो के माध्यम से मैं आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको सबसे पहले आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा था। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मन में वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे पहले अपने SSO ID को लॉग इन करके स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाना है। जैसे स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाएंगे तो उसके बाद में आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने वन टाइम रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुआ जो पेज है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप देख सकते हैं वोटीआर ईकेवाईसी, उसके बाद में आपका जो एजुकेशन डिटेल्स है वो आपके सामने शो होता था, लेकिन आज की ताजा अपडेट के साथ में अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो एजुकेशन डिटेल्स है वो हटा दिया गया है। यानी कि आज की डेट में अपने SSO ID को लॉग इन करके चेक करेंगे तो आपका जो एजुकेशन डाटा है वो हटा दिया गया है। अब आप अपने स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर किसी भी प्रकार का फॉर्म भरते हैं तो आपका जो एजुकेशन डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा, अब आपको मैन्युअली भरना जरूरी है। तो दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन में यानी कि आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर उसमें या तो आपका नाम गलत हो गया हो या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो या पिताजी का नाम गलत हो गया है, लेकिन गाइज एक बार एडिट करने के बाद में आपका एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यानी कि आपने एक बार एडिट तो कर लिया है उसके बाद भी आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपके किसी भी प्रकार की गलती रह गई है तो उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं, तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका 100% जो सॉल्यूशन है वो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने जा रहा था। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल बनाना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने SSO ID को लॉग इन करके स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं होम पेज के नीचे आप देख सकते हैं फैक्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल से संबंधित जो OTR से संबंधित जो क्वेश्चंस है आपके दिमाग में उन क्वेश्चंस का जो सवाल है वो इसी पेज के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये फर्स्ट वाली जो लिंक है सक्रिय निष्क्रिय OTR प्रोफाइल संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं विभिन्न क्वेश्चन है उन सवालों का जो आंसर है इसी सवाल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपको फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आप देख सकते हैं इसका जो उत्तर है वो आप पहले देख लीजिए। जब उम्मीदवार एक ही दस्तावेज का उपयोग करके एकाधिक SSO ID में OTR प्रोफाइल बनाते हैं तो पहले से बनाई गई OTR प्रोफाइल निष्क्रिय हो जाती है, उम्मीदवार निष्क्रिय प्रोफाइल से कोई भी आवेदन पत्र भरने में सक्षम नहीं होता, पॉपअप में उल्लंघित SSO ID वो SSO ID है जो वर्तमान में एक्टिवेट है, ठीक है, इसका उपयोग किसी भी आवेदन पत्र को भरने के लिए किया जा सकता है। यदि आप पॉपअप पर उल्लंघित SSO ID लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया नई SSO ID बनाए और अपनी नई SSO ID को पुरानी SSO ID के साथ में मैप करने के लिए, यानी कि आपके जो OTR में पहले वाला यानी कि आपके पास जो आपकी SSO ID है और उस OTR उसकी SSO ID में आपके OTR में आपका नाम वो गलत हो गया हो या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई हो या पिताजी का नाम गलत हो गया उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप अपने एक नई SSO ID बनाइए। नई SSO ID तभी बना सकते हैं जब आपके पास नए मोबाइल नंबर हो और नए मेल आईडी हो, ठीक है, यानी कि आप एक बार नई SSO ID क्रिएट कर लीजिए नए मेल आईडी से और नए मोबाइल नंबर से, उसके बाद में अपनी नई SSO ID को पुराने SSO ID के साथ में मैप करने के लिए, यानी कि आपके जो नए SSO ID है पुरानी SSO ID से मैप करने के लिए helpdesk.sso@rajasthan.gov.in पर मेल करें, ठीक है, यानी कि आपको मैप करवाने के लिए इस पर मेल करना होगा। कृपया अपनी पुरानी SSO ID और नई SSO ID का उल्लेख करें, मेल पर अपने आधार विवरण की सॉफ्ट कॉपी संलग्न करें, मैपिंग के बाद आप अपने सभी दस्तावेज फॉर्म को पुराने SSO ID से नए SSO ID में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपके OTR में किसी भी प्रकार की गलती हो गई है या तो वह आपके नाम से गलती हो गई हो या पिताजी के नाम से या डेट ऑफ बर्थ से संबंधित गलती हो गई है उसके बाद में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले नई मेल आईडी और नई
मोबाइल नंबर से आपको एक एसएसओ आईडी क्रिएट करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने नई एसएसओ आईडी को पुरानी एसएसओ आईडी से मैप करवाना है। मैप करवाने के लिए आपको इस पर मेल करना होगा, ठीक है। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी नई एसएसओ आईडी से मैप हो, नई एसएसओ आईडी पुरानी एसएसओ आईडी से मैप हो जाती है, तो अपने जो सारे डॉक्यूमेंट है, जो भरे हुए सारे फॉर्म है पुराने एसएसओ आईडी में, वो नई एसएसओ आईडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन अच्छे से ध्यान में रख करके करना है, यानी कि आपको ओटीआर करने से पहले आपके डॉक्यूमेंट जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, जो भी गलती है उसको सबसे पहले सुधार लेना, और उसके बाद में न्यू वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको जनरेट करना है। तो दोस्तों इसी के माध्यम से आपका जो 100% सॉल्यूशन है वो होने वाला है, यानी कि आपके नाम में गलती हो गई हो या डेट ऑफ बर्थ या पिताजी के नाम है उसमें संशोधन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसका 100% सॉल्यूशन यही है। उसके बाद में आप अपने जो पुरानी एसएसओ आईडी से नई में एसएसओ आईडी मर्ज करवा देंगे, तो उसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वो आप अपडेट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।